हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो पे आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो पे आप लोगों को बताने वाला हूँ, व्हाट्सएप पे आपको किसी ने ब्लॉक कर दिया है, जानबूझ के ब्लॉक किया या गलती से ब्लॉक हो गए हो उसके व्हाट्सएप पे आप लोग। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बताऊँगा कि खुद से कैसे आप लोग अनब्लॉक हो सकते हो, यानी कि आप उस नंबर को खुद से कैसे अनब्लॉक लिस्ट से हटा सकते हो। अगर किसी ने ब्लॉक कर दिया तो उस ब्लॉक को कैसे हटा सकते हो, आप खुद हटा सकते हो अपना नंबर ब्लॉक लिस्ट से। तो दोस्तों आज का वीडियो पूरा देखिए, इस वीडियो में पूरा लाइव दिखाऊंगा किस प्रकार से आप उस ब्लॉक लिस्ट से अपना खुद का नंबर हटा सकते हो। तो यहाँ पर दो व्हाट्सअप का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए दोनों व्हाट्सअप पे मैंने अलग अलग नंबर से व्हाट्सअप बना लिए हैं। अभी यहाँ पर देखोगे इस नंबर से मैं उस नंबर पर मैसेज करता हूँ सिंपल से। यहाँ पर देखोगे जियो का नंबर है मेरा, तो यहाँ पर इस नंबर से मैं अभी यहाँ पर मैसेज किया दूसरे व्हाट्सअप, यहाँ पर देखिए पहुँच गया एयरटेल के नाम से, वो सेव है, एयरटेल का नंबर है इसलिए सेव गया। यहाँ पर देखिए मैसेज आ गया है, अभी टाइमिंग देख रहे हो आप लोग स्क्रीन पे, 10:09 हुआ है, तो यहाँ पर टाइमिंग से आ गया। अभी देखिए यहाँ पर मैंने इस नंबर को मैं यहाँ से ब्लॉक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे कोई भी मैसेज भेजा है तो यहाँ पर देखोगे उस नंबर को मैं ब्लॉक कर दूँगा, तो यहाँ पर वो नंबर हट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक बार और मैं भेजता हूँ, तो यहाँ पर देखिए आ गया फिर से। अभी मैं यहाँ पर इस नंबर को मैं ब्लॉक कर दूँगा, तो सिंपल से यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ब्लॉक का ऑप्शन दिखेगा। किसी को ब्लॉक करना चाहते हो तो यहाँ पर ब्लॉक कर सकते हो, तो इस तरह आप लोगों के ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर सिंपल सा ब्लॉक वाले पे क्लिक करना है आप लोग तो ब्लॉक हो जाएगा। रिपोर्ट एंड ब्लॉक करना है तो आप लोगों को कुछ यहाँ पर रिपोर्ट पे कुछ लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही ब्लॉक होगा। तो सिंपल सा खाली ब्लॉक करना है तो यहाँ ब्लॉक पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर उस नंबर को ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यू ब्लॉकड दिस कॉन्टेक्ट टॉप पे अनब्लॉक, अगर ब्लॉक अनब्लॉक करना है तो यहाँ पर आप लोग कभी भी मैसेज करते हो तो यहाँ पर देखिए अनब्लॉक का ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद मैसेज नहीं सेंड होगा जब तक आप उसको अनब्लॉक नहीं करोगे। अगर वो बंदा अगर यहाँ पर मैसेज करता है तो यहाँ पर देखिए मैं उस अभी जो मैसेज भेजा यहाँ पर करेंगे मैसेज, तो यहाँ पर उसके पास मैसेज नहीं पहुँच रहा है। यहाँ पर देखोगे एक ही टिक है अभी, देखिए बाकी के तो तीन मैसेज जो हैं वो टिक मार्क दिख रहा है स्क्रीन पर, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर टिक मार्क दिख रहा है। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर कोई भी मैसेज करेंगे उसके बाद मैसेज नहीं पहुँच रहा है क्योंकि उसने ब्लॉक कर दिया है उस नंबर से, मतलब उस नंबर के मेरा ये नंबर ब्लॉक हो चुका है इसलिए यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। अभी करना क्या आप लोगों को, अगर ब्लॉक लिस्ट से हटाना है, किसी को भी ये प्रॉब्लम आ रही है, उसकी गर्लफ्रेंड है या फिर और कोई दोस्त है जिसके द्वारा आप लोग बात करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप लोग उस नंबर को हटा सकते हो बहुत ही आसानी से। तो सिंपल से आप लोग करना क्या पड़ेगा, तो यहाँ पर आप लोग उस व्हाट्सअप पर आप लोगों को क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोग डिटेल दिखेगी, आप लोग तीन बिंदी पे क्लिक करना है, ठीक है। तीन बिंदी पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, सेटिंग पे आप लोग जाना है, उसके बाद यहाँ पर अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, अकाउंट पे जाना है, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को सबसे नीचे एक ऑप्शन दिखेगा डिलीट माई अकाउंट, सिंपल सा डिलीट माई अकाउंट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को चेंज नंबर दिखेगा और यहाँ पर डिलीट अकाउंट नंबर दिखेगा। तो यहाँ पर चेंज अगर करना है तो यहाँ पर चेंज कर सकते हो, ऐसे हमको ब्लॉक लिस्ट से हटाना है तो सिंपल से यहाँ डिलीट माई अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके लिए यहाँ पर नंबर डालना पड़ेगा, जो आपका नंबर है वो नंबर यहाँ पर डालोगे, वो नंबर यहाँ पर डालोगे, यहाँ पर वो नंबर आएगा तो डिलीट माई अकाउंट पे क्लिक करोगे तो सिंपल से यहाँ पर सिलेक्ट यहाँ पर आएगा सीजन, और यहाँ पर आप लोगों को क्यों नंबर सिलेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पर वो आएगा ऑप्शन आप लोगों को व्हाट्सअप इज नॉट वर्किंग अदर फीचर, यहाँ पर आप लोग कर दो आई एम डिलीटिंग माई अकाउंट, आई एम चेंजिंग माई फ़ोन, आई एम चेंजिंग माई डिवाइस, तो यहाँ पर आप लोग कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा, अगर अपने हिसाब से कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं तो आप लोग डिलीट माई अकाउंट पे क्लिक करोगे तो डिलीट माई अकाउंट दो ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ पर चेंज नंबर आएगा तो चेंज नंबर भी आप लोग नहीं क्लिक करना है, डिलीट अकाउंट पर क्लिक करना है, सिंपल सा डिलीट अकाउंट कर दोगे। यहाँ पर देखिए प्रोसेस टू डिलीट अकाउंट, द डिलीटिंग योर अकाउंट इज परमानेंटली, ये अकाउंट आपका परमानेंट डिलीट हो चुका है, तो यहाँ पर डिलीट में एक बार कंफर्म कर देंगे। यहाँ पर देखिए डिलीट हो रहा है, अभी यहाँ पर देख लियो व्हाट्सअप योर अकाउंट हैज़ बी डिलीटेड, ये नंबर अभी डिलीट हो चुका है। यहाँ पर देखिए आप लोगों को व्हाट्सअप से बाहर आ गया, अभी यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो आई एग्री कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, इस प्रकार से आप लोग आ रहे हैं। अभी यहाँ पर देखोगे आई एग्री पर क्लिक करना है आप लोगों को, उसी नंबर को आप लोग फिर से यहाँ पर लॉगिन कर लेना है सिंपल सा, और यहाँ पर देखोगे लॉगिन हो रहा है, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करना है आप लोगों को, नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करो चेक स्टेटस का ऑप्शन आएगा, चेक स्टेटस पे क्लिक करना है, यहाँ पर देखो व्हाट्सअप सर्विस ओपनिंग नॉर्मली, तो इस पे क्लिक कर देना है आप लोगों को, और यहाँ पर आप लोगों को नेक्स्ट पे क्लिक करके एडिट का ऑप्शन दिखेगा और ओके का दिखेगा, तो ओके पे क्लिक करना है आप लोग, ओके पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखोगे आप लोग इस तरह आप लोगों को दिखेगा, सेकंड चल रहा है, और देखिए ओ टी पी आ गया है, देखिए वेरीफाई हो गया ऑटोमेटिक,
और यहाँ पर देखोगे ऑलराउंडर टेक्निकल मेरा राजकुमार कश्यप चैनल का नाम है, तो यहाँ पर वो आ रहा है। यहाँ पर डीपी लगाना है तो आप डीपी लगा सकते हो, सिंपल सा हमको डीपी नहीं लगाना है, चलो लगा लेता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन देगा, तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है आप लोगों को। अभी देखिए यहाँ पर आ गया है, अभी यहाँ पर करना क्या है, जैसे चैट आपकी बैकअप पे आप लोगों को लाना है तो सेटिंग पे जाओगे, वैसे मेरी चैट ज़्यादा नहीं थी तो आप पर चैट पे जाओगे तो यहाँ पर बैकअप का ऑप्शन दिखेगा। देखिए चैट बैकअप का ऑप्शन दिया है तो आप लोग बैकअप कर लोगे, तो बैकअप करने के लिए यहाँ पर देखिए क्लिक करेंगे तो बैकअप आप मैसेज जितने भी है वो बैकअप हो गए हैं। यहाँ पर देखिए लोकल 10 AM, तो यहाँ पर इस तरह आप लोग बैकअप कर सकते हो बहुत ही आसानी से। अभी जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे चैट बैकअप हुई है या नहीं हुई। देखिए चैट बैकअप नहीं हुई क्योंकि मेरी चैट ज़्यादा नहीं थी इसलिए शायद नहीं हुई बैकअप। आप लोग भी अगर व्हाट्सअप डिलीट होने से मतलब डिलीट करने से पहले भी बैकअप पे आप लोग ला सकते हो। यहाँ पर क्लिक करके आप चैट बैकअप पहले 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 बैकअप कर लोगे। मैंने बैकअप नहीं किया इसलिए आप लोग ये शायद नहीं आ रहा है। अगर आप लोग भी पहले डिलीट करने से पहले बैकअप कर लोगे, जैसे बैकअप पर क्लिक करना है आप लोग, बैकअप हो जाएगी आपकी पूरी चैट। उसके बाद आप लोगों को ये आपका अकाउंट अकाउंट पे जाके आप लोग प्राइवेसी प्राइवेसी नहीं सॉरी डिलीट माई अकाउंट पे क्लिक करके तब आप लोगों को डिलीट करना है। ये आप लोग करके देखोगे 100% हो जाएगा। मेरी मैं आप लोग बताने में थोड़ा जल्दी हो गई इसलिए मेरा अकाउंट बैकअप पे नहीं आ रहा है, जितनी भी चैटिंग थी वो बैकअप नहीं आ रही है। आप लोग 100% आ जाएगी बैकअप ये अगर करके देखोगे तो अभी यहाँ पर देखोगे वही नंबर मैं आप निकालता हूँ। यहाँ पर देखिए जियो का नंबर था, ये देखिए माई जियो का नंबर। सिंपल से यहाँ पर मोबाइल नंबर निकाल के यहाँ पर आप लोग चैटिंग करना है। आप लोग कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर देखिए इस तरह मैंने कुछ भी मैसेज टाइप कर दिया उल्टा से तो उसके बाद सेंड करता हूँ। यहाँ पर देखोगे आप लोग ये देखिए मैसेज मेरा पहुँच गया है। आप लोग भी ये ट्रिक आप लोग अपनाओगे 100% ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी देखिए मैं जाता हूँ ऊपर मैसेज आया है स्क्रीन पर, तो स्क्रीन पर क्लिक करके अभी देखिए दूसरे व्हाट्सअप पर आ गया मैं। यहाँ पर देखो ये देखिए यहाँ पर ब्लॉक था अनब्लॉक ऑटोमेटिक हो गया। यहाँ पर देखिए ऊपर साइड में लिखा भी दिख रहा है, यहाँ पर देखो यू अनब्लॉकड दिस कॉन्टैक्ट। यहाँ पर देखिए पहले ब्लॉक करके आया था लिख के तो भी अनब्लॉक करके आया है। यहाँ पर देखो एक अंडरस्टैंड मैसेज मतलब एक मैसेज भी आ चुका है यहाँ पर करके, इस तरह आप लोगों को दिखेगा। अभी यहाँ पर देखिए इस तरह से आएंगे, इस तरह से मैसेज करता हूँ मैं तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट सेंड हो रहा है। देखिए माई जियो नंबर पर आ गया अभी अभी यहाँ पर अनब्लॉक का भी ऑप्शन भी नहीं आया, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट हो गया सेंड। तो इस तरह आप लोग किसी को भी अगर किसी ने ब्लॉक कर दिया तो ये प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कर सकते हो। दूसरे देखिए हाय हेलो कुछ भी लिखता हूँ, यहाँ पर देखिए वो मैसेज जा रहे हैं खटाखट। इस तरह आप लोग देखिए आप लोग 100% ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप लोग भी अगर करने के लिए देखोगे तो आप लोग के भी आ जाएगा। यहाँ पर देखिए रिप्लाई मैं करता हूँ डायरेक्ट ऊपर से, ये देखिए मैसेज दोबारा ऊपर से आ रहा है, ये मैसेज सेंड किया मैंने देखिए डायरेक्ट यहाँ पर आ गया ऊपर से। और कुछ भी सेंड करता हूँ तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट दूसरे वाले व्हाट्सएप पर मेरे पहुँच रहे हैं। तो इस तरह आप लोग कुछ भी अगर करते हो यहाँ पर किसी ने ब्लॉक कर दिया तो आप खुद से अनब्लॉक हो जाओगे, खुद से मतलब कि अपने आप उस व्हाट्सअप नंबर को अपने व्हाट्सअप नंबर को अनब्लॉक कर सकते हो। सो दोस्तों ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता।